एग्जाम्पल नंबर 7.16. थ्री बॉडीज, अ रिंग, अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर रोल डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिप. तो हमारे पास यहां पर तीन बॉडी है, एक बॉडी है आपकी रिंग, दूसरी बॉडी है आपका सॉलिड सिलेंडर और जो तीसरी बॉडी है वो है सॉलिड स्फीयर. अब ये तीनों बॉडीज एक कॉमन इंक्लाइन प्लेन से रोल डाउन करती हुई ग्राउंड पर पहुंचती है. ठीक है, ये ग्राउंड है, ये इंक्लाइन प्लेन है और ये हाइट है. अब अगर कोई बॉडी यहां पर है, इस पॉइंट पर है, इफ देयर इज सम बॉडी, इनमें से कोई भी बॉडी यहां पर है, कहां पर है, मैक्सिमम हाइट पर, पीक पर, अगर आप इस बॉडी को अलाउ करते हैं रोल डाउन करने के लिए, तो ये बॉडी रोल करती हुई ग्राउंड पर आएगी और हमें ये बताना है इनमें से कौन सी बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी से ग्राउंड पर पहुंचेगी. अब यहां पर हम ध्यान देंगे कि जो बॉडीज हैं इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसका जो कॉज है वो है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो भी इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, सो यहां पर हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी दो तरह की है, एक है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन. सो यहां पर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन. सो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन इज हाफ mv स्क्वायर और रोटेशनल मोशन का हम जानते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब हम इसमें क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करेंगे और ओमेगा और वी का रिलेशन यहां पर लिखेंगे. कैसे, देखिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है एम के स्क्वायर, इसमें जो के है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन और जो ओमेगा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा. सो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, देयरफोर एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई के प्लेस पर लिखिए एम के स्क्वायर और ओमेगा के प्लेस पर लिखिए वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. अब इस पूरे टर्म में से, दोनों टर्म में से हम एम कॉमन ले सकते हैं, वी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, वन बाय टू कॉमन ले सकते हैं. इसका मतलब एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही होगा. मास से मास कैंसिल, हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी. सो वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. और अगर ये स्क्वायर हम यहां से हटाते हैं तो आपने यहां पर स्क्वायर रूट यूज करना है. सो ये फॉर्मूला हमारा आ गया. अब इन तीनों बॉडीज के लिए g की वैल्यू सेम है, h की वैल्यू सेम है, r की वैल्यू सेम है. क्वेश्चन में बताया गया कि ऑल द थ्री बॉडीज हैव द सेम रेडियाई. सो इट मींस जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो सिर्फ रेडियस ऑफ गायरेशन में है. तो अब हमें पता होना चाहिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी फॉर रिंग. अब रिंग के केस में जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है वो आर स्क्वायर के इक्वल होता है. के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर आपका आर स्क्वायर के इक्वल होता है. अब ये वैल्यू आप इसमें पुट करिए, देन यू विल ऑब्टेन द रिजल्ट, वेलोसिटी ड्यू टू रिंग, वेलोसिटी ड्यू टू रिंग इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया. नाउ 1 प्लस 1 2 और 2 से 2 कैंसिल. सो v रिंग कितना आया, दैट इज योर अंडर रूट gh. सो वेलोसिटी ऑफ रिंग इज अंडर रूट gh. अब हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी फॉर सॉलिड सिलेंडर. नाउ वेलोसिटी फॉर सॉलिड सिलेंडर फाइंड करेंगे, उसके बाद सॉलिड स्फीयर फाइंड करेंगे और फिर तीनों को कंपेयर करेंगे. सो फॉर सॉलिड सिलेंडर आपका जो रेडियस ऑफ गायरेशन का रिलेशन है, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2, ये वैल्यू आप यहां पर पुट करिए. सो वी ऑफ सॉलिड सिलेंडर दैट इज अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर. के स्क्वायर इज योर आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल. सो सॉलिड सिलेंडर आपका आ गया इसमें अंडर रूट
2GH and it is 2 when the 2 plus 1 3 3 by 2. So it is 3 by 2. Now velocity of solid cylinder is how much? It is your under root 4 by 3 GH. So it is equation number 3. So solid cylinder ka bhi humne jo hai velocity find kar liya. Ab last case solve karenge aur last case mein aapko diya hai solid sphere. Aur solid sphere ke liye relation hota hai 2 by 5 R square. Now third case is for solid sphere. For solid sphere K square is equal to 2 by 5 R square. तो आप इसको सॉल्व करेंगे सॉलिड स्फेयर के लिए. तो सॉलिड स्फेयर में आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा. अंडर रूट 2 जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2 बाय 5 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. सो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 7 बाय 5, ये ऊपर जाएगा. सो इट विल बी अंडर रूट 10 जी एच बाय 7. सो 10 बाय 7 जी एच स्क्वायर रूट में आपका आया वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर. अब हम तीनों को कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है. तो देखिए मैं तीनों को कंपेयर करूंगा. सो ऑन कंपैरिजन वी फाइंड दैट वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज मैक्सिमम देन वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर देन वेलोसिटी ऑफ रिंग. तो यहां पर हम देख सकते हैं सबसे जो कम वेलोसिटी है वो रिंग की है, उससे ज्यादा सॉलिड सिलेंडर की है और सबसे ज्यादा वेलोसिटी आपकी सॉलिड स्फीयर की है. क्योंकि यहां पर हमने फाइंड किया अंडर रूट 10 बाय 7, यहां पर हमने फाइंड किया अंडर रूट 4 बाय 3 और यहां पर हमने फाइंड किया 1. सो इस रिजल्ट से आप देख सकते हैं सॉलिड स्फीयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल. इसी तरह के और भी एनसीईआरटी एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए फिजिक्स लैब चैनल को सब्सक्राइब करिए.